पेट में कब्ज और पेट का सही से साफ ना होना वो पेट भरी रहने पर एक बार करिए इस चूर्ण का प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, सुबह शौच के दौरान अगर आपका पेट सही से खाली नहीं होता और उस समय बल का प्रयोग करना पड़ता है जिससे आपके दिन भर पेट में दर्द रहता है तो दोस्तों आपको कब्ज की शिकायत है। कब्ज होने पर दोस्तों आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कब्ज होने पर पेट दर्द, पेट में जलन और पेट भारी रहने की समस्या तो रहती ही है, लेकिन कब्ज का सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है जिससे लीवर हमारा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और सही से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और इससे हमारे पेट में वसा बढ़ने लगता है जिससे हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों लीवर अगर सही से काम नहीं करता तो इससे हमारी स्किन पर यानी कि हमारी त्वचा पर और हमारे बालों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और आयुर्वेद में भी दोस्तों ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमारा पित्त सही है यानी कि हमारा पेट साफ है, पेट सही से काम करता है तो हमारे को 46 तरह के रोग कभी छू भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों अगर आपको कब्ज की समस्या है तो कभी भी उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज हम आपके लिए कुछ ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो आपकी कब्ज को दूर करने और पेट में जलन और पेट भारी रहने की समस्या को बड़ी ही आसानी से सही कर देगा। तो चलिए ये जानते हैं कैसे आपको इसे तैयार करना है। यहाँ पर दोस्तों आज हम दो उपाय जानेंगे पेट को साफ करने के, जिनमें से एक आप बनाकर लंबे समय तक रख सकते हैं और दूसरे का प्रयोग सिर्फ आपको रात को करना है और सुबह तक आपका पेट खाली हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि एक समय पर आपको दोनों में से कोई एक उपाय का ही प्रयोग करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए सबसे पहले सौंफ और ये अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक और सूखा हुआ जीरा। आपको ये सभी चीजें कितनी मात्रा में लेनी है और कैसे इस चूर्ण को तैयार करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना होगा दोस्तों अजवाइन को। आप यहाँ पर अजवाइन लीजिए और 2 चम्मच अजवाइन जो है आप किसी भी एक खाली कटोरी में डाल लीजिए। पेट को तुरंत साफ करने और गैस से होने वाले पेट दर्द को दूर करने के लिए अजवाइन दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। अब आप यहाँ पर लीजिए दोस्तों सूखा हुआ जीरा। जीरे में दोस्तों अगर हल्की सी भी नमी है तो आप उसे सबसे पहले धूप में जरूर सुखा लें और यहाँ पर 2 चम्मच जीरा आपको अजवाइन के साथ मिला देना है। इन दोनों चीजों को डालने के बाद दोस्तों आपको इन दोनों को हल्की धीमी आंच पर गर्म करना है और 2 मिनट तक गर्म करने के बाद ये हल्के भूरे हो जाएंगे और आपको इसकी बहुत ही सुंदर महक आने लग जाएगी। ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सौंफ का। आपको यहाँ पर सौंफ लेनी है और सौंफ जो है आपको 1 चम्मच दोस्तों इसमें मिला देनी है। भोजन का सही से न पच पाना और आंतों में जमे हुए मल को निकालने के लिए सौंफ बहुत ही फायदेमंद है। अब हम यहाँ पर लेंगे काला नमक। आपको यहाँ पर दोस्तों काला नमक लेना है और यहाँ पर 1/2 चम्मच काला नमक इनमें डाल देना है। चम्मच की मदद से दोस्तों हम इन सभी चीजों को अच्छे से हिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद ये जो है आपका चूर्ण जो तैयार हो जाएगा। आपको ये चूर्ण कुछ इस तरह से देखेगा। ये जो चूर्ण है दोस्तों पेट में जमे हुए मल को साफ करने के लिए और कब्ज को खत्म करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर लेना होगा दोस्तों 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, यानी कि आपको हल्का गर्म पानी लेना है और 1 गिलास पानी में आपको ये 1/2 चम्मच के बराबर ये चूर्ण आपको डाल देना है। इसे डालने के बाद आपको इसे अच्छे से हिलाना है। 1 से 2 मिनट तक आप इसे अच्छे से हिलाएं ताकि ये सही से मिल जाए और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसका प्रयोग कीजिए। आप चाहे तो दिन में जब मर्जी खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं या आप चाहे तो रात को सोने से पहले इसका 1 गिलास पी लीजिए। बस आपको दिन में सिर्फ 1 बार ही इसे पीना है और अगली सुबह तक आपकी आंतों में जमा हुआ मल सही से बाहर निकल जाएगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। आप चाहे तो इसके अलावा रात को दूध के साथ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल लीजिए और 1 चम्मच अरंडी का तेल इस दूध में डालिए और अच्छे से हिलाने के बाद इसे पी लीजिए। पेट की सफाई और आंतों की सफाई पर तुरंत काम करने के लिए अरंडी का तेल दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। ये थोड़ा पीने में कड़वा होता है लेकिन इसके रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। आप इसे रात को सोने से पहले लीजिए और सुबह तक ये आपके पेट को साफ कर देगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक उपाय दोस्तों आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं और सुबह तक दोस्तों आपके पेट की कब्ज और पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस चूर्ण को दोस्तों आप एक बार बनाकर लंबे समय तक प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि आपको एक समय पर सिर्फ 1 ही नुस्खे का प्रयोग करना है और उसे दिन में सिर्फ 1 बार लेना है। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और उन दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिन्हें इनकी जरूरत